आखिर 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी हवाई जहाज के यात्रियों को कैसे मिल पाती है ऑक्सीजन? उड़ते हवाई जहाज के बंद कमरों में ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? आज इस आर्टिकल में हम आपको उड़ते हवाई जहाज में ऑक्सीजन यात्रियों को कैसे मिल पाती है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हवाई जहाज ज्यादा से ज्यादा 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और उस जगह पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है। जैसे ही एक विमान उड़ान भरता है, तेजी से चलने वाली हवा दोनों जेट टर्बाइन इंजन में प्रवेश करती है। यह तेज गति वाली हवा को संपीड़ित किया जाता है क्योंकि यह टर्बाइन के अंदर फैन ब्लेड की परतों से होकर गुजरती है। यह कंप्रेसर चरण पर है कि टर्बाइन के भीतर से गर्म हवा का एक हिसाब लीड ऑफ होता है। अब यह हवा बहुत गर्म है, एक जोड़े की डिग्री में तापमान 100 डिग्री फारेनहाइट है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से पहले ठंडा होना चाहिए। इसीलिए इस ब्लीड ऑफ वाली हवा को फैलने दिया जाता है और हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाता है ताकि यह एक आरामदायक तापमान तक ठंडा हो जाए। इस शांत फिल्टर्ड हवा को फिर यात्री केबिन में एक ऐसे दबाव में फैलाया जाता है कि इंसान आराम से सांस ले सके। इसके अलावा एरोप्लेन में हमेशा ऑप्शन की स्लैंड पर भी मौजूद होते हैं जो किसी भी यात्री की तबीयत खराब होने पर उसे तुरंत ऑक्सीजन देने के लिए रहते हैं। इस प्रकार 35,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन की बंद होने पर भी यात्री आराम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं।